जी, आज जो बैठक रखी गई थी, क्या कुछ इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? आज जो हमारे कुल्लू जिला सहकारी संघ की कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें फैसला लिया गया कि हम प्रदेश सरकार से ये अनुरोध करें कि जितने भी हिमाचल प्रदेश के जो सहकारी संस्थाएं हैं, जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट हुआ है या चेयरमैन नॉमिनेट हुआ है, ये जो सहकारी लोकतांत्रिक पद्धति है उसके खिलाफ है, और इस पर चाहिए कि जो है इस पर चुनाव कराया जाए। नहीं तो जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका जो जो स्वरूप है वो काफ़ी कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि जो लोग नॉमिनेटेड होते हैं उनको वहाँ के बिज़नेस के बारे में तजर्बा नहीं होता है, और वो जो इलेक्टेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग हैं उनको भी, जो मेंबर्स हैं उनको भी विश्वास में नहीं लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जो उनको जिस पर जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इन सब इंस्टीट्यूट, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ प्राइमरी लेवल की है, सेकेंडरी लेवल की है, अपेक्स लेवल की है, जितने भी इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर भी चेयरमैन नॉमिनेट हुए हैं वो सब बदले जाने चाहिए और वहाँ पर इलेक्टेड चेयरमैन बनना चाहिए, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वो भी नॉमिनेटेड है। जैसे हमारे हिमाचल प्रदेश सहकारी संघ है, जो कि संघ है कि जिसमें कि कोऑपरेटिव मूवमेंट से होनी चाहिए, और हर ज़िला जो है जो आपकी सहकारी संघ है वो उसकी मेंबर है, तो वहाँ भी नॉमिनेटेड बोर्ड भी कर दिया है और चेयरमैन भी। ये तो कोऑपरेटिव का बहुत बड़ा मजाक है कि हमारा जो सहकारी संघ है स्टेट लेवल पर, उसमें भी जो सारा बोर्ड है वो नॉमिनेटेड है, और अभी से नहीं नॉमिनेटेड है, कोई 2-2.5 साल हो गए, जो कि सहकारिता की सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो हमने ये बड़ा एक्सेप्शन लिया, और उसके साथ साथ हमने प्रदेश सरकार से ये भी अनुरोध किया कि हमारे जो है सहकारिता विभाग में राज्य स्तर पर और ज़िला स्तर पर बहुत सारी पोस्टें खाली हैं, तो हमने ये अनुरोध किया प्रदेश सरकार से कि वो इन पोस्टों को शीघ्र अतिशीघ्र भरे प्रायोरिटी पर भी, क्योंकि जो इस आज के जो अब भारत सरकार ने सहकारिता को बड़ा वजन दिया है, एक अलग से मंत्रालय भारत सरकार ने बनाया, और स्टेट में भी बहुत सारी स्कीमें नहीं आई आ रही, जो नवार्ड के थ्रू नवार्ड की स्कीम आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट की आ रही है, भारत सरकार की आ रही है, कोऑपरेटिव के ऊपर फिर जोर पड़ गया भारत सरकार के। अब धन्यवादी है क्या प्रधानमंत्री जी के और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के कि इस वक्त राष्ट्रीय स्तर पर एक सहकारिता के अलग मंत्रालय बना है, तो वहाँ से फंड्स आई है, तो अब काम बढ़ेगा, तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ का स्टाफ बढ़ाया जाए। हिमाचल प्रदेश के जो स्टेटहुड मिला उसके भी 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, और उसको हम एक स्वर्ण युग के रूप में मना रहे हैं, और हिमाचल प्रदेश ने जब से हमने स्टेटहुड मिली बहुत तरक्की की है प्रदेश ने। हम हमारी हैं प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस परमार के, और उसके बाद के जितने मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी हैं, धूमल जी हैं, या फिर उसके बाद अभी ठाकुर रामलाल जी है, या आज के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी है, सबका योगदान है। तो इसमें काफ़ी उन्नति हुई है कोऑपरेटिव मूवमेंट में भी, उसको दर्शाने के लिए हमें कहा गया था कि ज़िला में हम तीन जगह लगाएं कि कोऑपरेटिव मूवमेंट ने ज़िला या प्रदेश में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की है। तो हमारे ज़िले में भी जो कोऑपरेटिव मूवमेंट ने जो है हमारे यहाँ कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के क्या किया गया है, यहाँ पर जितनी भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, चाहे पैक्स है, दूसरी सोसाइटियों को करोड़ों रुपए के लोन दिए गए हैं, और उसके बाद NCDC की तरफ से भी करोड़ों रुपए की लोन और सब्सिडीज दी गई है। इसी तरह से जो कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ने भी कैश क्रॉप लोन, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, और फिर जो लॉन्ग टर्म मीडियम के लोन दिए, प्लस कैश क्रेडिट लिमिट्स दिए हैं, और कांगड़ा बैंक ने अभी भी जो बुनकर सहकारी सभाएं उनका ब्याज 11.75 से घटा करके 8.9% कर दिया है। इस तरह से और भी बड़ी भारी उपलब्धियाँ, वन टाइम सेटलमेंट है, या कोई जो है और भी कई उपलब्धियाँ की है। इसी तरह से मुझे कहा गया था कि मैं सहकारी संघ के बारे में कुछ बताता हूँ, तो मेरा सारा ज़िला सहकारी संघ क्या काम कर रहा है। हमने ये जो कुल्लू ज़िला सहकारी संघ है, देश के सफलतम और सबसे अच्छे ज़िला सहकारी संघ में एक है। हमारी एक अपनी पत्रिका चलती 3 महीने के पश्चात, हमारा अपनी बिल्डिंग है, अपना हमारा सहकार भवन है, अपना हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल है, और हमारे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी अपना है।
तो हम जो है सेल्फ डिपेंडेंट है जो कुल्लू ज़िला सहकारी संघ है, और हमारी कुल्लू ज़िला सहकारी संघ जो है ज़िला के जो सहकारी आंदोलन है उसका नेतृत्व करती आई है, और हमने विभिन्न पदों पर चाहे वो डिपों की बात दूसरी तो हमने सहकारी सभाओं की मदद की है, और भी जो दिक्कतें आ रही उनके लिए बात की। अभी भी एक बात आई कि जो 500 ग्राम पहले जो था वो वेस्टेज मिलता था वो बंद हो गया, जिससे कि अब जो डिपोज को दिक्कत आ रही है हम उसके बाद भी आगे उठाने जा रहे हैं। वैसे हम सहकारी सप्ताह समारोह बड़े जोश से मनाते हैं। श्री राधा कृष्ण मंदिर कोटला कला जिला ऊना में परम पूजनीय राष्ट्रीय संत बाबा बाल जी महाराज के सानिध्य में विराट वार्षिक महाकुंभ, श्रीमद् भागवत कथा, गीता प्रवचन, संत सम्मेलन एवं भजन संकीर्तन 1 से 13 फरवरी सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक करवाया जा रहा है। वहीं भव्य शोभा यात्रा का आयोजन 4 फरवरी को किया जाएगा। श्री भक्तमाल कथा श्री गौरदास जी महाराज द्वारा 1 से 6 फरवरी तक प्रातः 11 बजे से, वहीं श्री हाउ बिलाव जी महाराज वृंदावन वाले 6 फरवरी को प्रातः 11 बजे भजन संकीर्तन करेंगे। गीता प्रवचन श्री ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा 7 से 9 फरवरी तक प्रातः 11 बजे, श्रीमद् भागवत कथा स्वामी डॉक्टर रामकमल दास वेदांती जी द्वारा 7 से 13 फरवरी दोपहर 12 बजे से शुरू की जाएगी। आप सभी इस विराट वार्षिक महाकुंभ में सादर आमंत्रित हैं। कार्यक्रम का आयोजन कोविड नियमों के तहत किया जा रहा है।